सांझ, क्या हुआ और ये सब क्या है? ये है तुम्हारी कहानी। तुम्हारी कहानी का हर एक पन्ना, हर एक चैप्टर है यहाँ पर। आज मुझे पता चला है कि मैं तुम्हारे बारे में कितना कम जानती हूँ। तुमने मुझसे ये सब झूठ क्यों बोला समय? सांझ, मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है? तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम मुंबई सिर्फ मेरे लिए आए हो। झूठ। मुंबई आने की वजह कुछ और ही थी। तुमने मुझसे एक और झूठ बोला कि तुमने आज तक सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार किया है, पर नहीं, तुम्हारे असली प्यार की वजह ये। माया, तुम्हें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो तुम्हारे कदमों में फूल नहीं बल्कि अपने आप को बिछा दे, और वो इंसान मैं हूं। माया, सांझ, ध्यान से तुम्हारा हाथ जल जाए। सांझ, ये सब गलत है। सांझ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, सीरियसली। झूठ, और कितना झूठ बोलोगे समय? आज मुझे झूठ नहीं, सिर्फ सच सुनना है। और अगर तुम्हारे पास सच सुनाने की हिम्मत नहीं है तो आज सच मैं तुम्हें सुनाऊंगी। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, आज तुम्हारा सच मैं पूरी दुनिया को सुनाऊंगी। इसे मेरे और माया के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, और ये सच इसने सबको बता दिया तो माया को पाने का आखिरी मौका भी गवा दूंगा मैं। माया मुझे कभी माफ नहीं करेगी, जिंदा नहीं छोड़ेगी मुझे। ये राज बाहर नहीं आ सकता, किसी कीमत पे भी ये राज बाहर नहीं आ सकता। सांझ, तुम कैसी बातें कर रहे हो? कौन सा सच और किसको बता दोगे तुम? और सब कहाँ है? आंटी कहाँ है? चुप। अंकल, घर पर कोई नहीं। मैंने सबको घर से बाहर निकाल दिया है क्योंकि मैं ये सारी बातें सबके सामने नहीं करना चाहती थी। I'm sorry, सांझ, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। एक अच्छी लड़की थी, लेकिन ये सच बाहर नहीं आ सकता। मैं माया को नहीं खो सकता। I'm really sorry, सांझ। माया को अगर खुश रखना है तो तुम्हें हमेशा के लिए खामोश होना पड़ेगा। सांझ, आई एम सॉरी। तो समय, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों प्यार के झूठे वादे किए जब तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं हो? जब हमारे रिश्ते में ना ही प्यार है और ना ही यकीन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया?
क्योंकि कभी कभी सच बताने की हिम्मत नहीं होती। समय, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी सच्चाई की असली तस्वीर दिखा रहा हूं सांझ, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो जो सबके सामने नहीं आने चाहिए। क्योंकि जो नुकसान सच कर सकता है उसे झूठ का वादा कभी नहीं भर सकता, और मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। अगर पीछे देखती रहोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी? जो बीत गया वो गुजरा हुआ कल है, जो आने वाला कल है वो अच्छा होगा। चलो आलू का पराठा खाते हैं, मेरा फेवरेट। खाने में नहीं होता, खाने वाले की जुबान में होता। थैंक यू। 3 सालों में जो हम दोनों के बीच दूरी आ गई थी उसे खत्म करने के लिए अब हमारे बीच कभी कोई नहीं आएगा, उससे मेरी खुशी अब कोई नहीं छीनेगा। अब हमारे बीच कोई आ ही नहीं सकता। जब तक तू माया के साथ है ना, हमेशा अकेला रहेगा, कोई बचा ही नहीं। सांझ, लेकिन थोड़ा बोलती ज्यादा हो, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें अपने दिल में छुपा लेने चाहिए, वरना हम उन बातों के साथ हमेशा हमेशा के लिए दब जाते हैं। और मेरे प्यार को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि उसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता चले। शादी का खेल खेल रही है वो, और मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब उसकी शादी टूटे और कब वो मेरी बाहों में आ जाए। वाह wow,
मेरे होने वाले जीजू, आपने तो मेरी बहन को पूरी तरह डरा दिया, पूरी साइकोटाइप फीलिंग दिया। कौन शादी का खेल खेल रहा है? और तुम किसका इंतजार कर रहे? सांझ, तुमने ठीक कहा, मैं यहां तुम्हारे लिए नहीं आया था, बल्कि मैं यहां अपने पहले प्यार के लिए आया था। अब उसे मां या सुमन जो भी कह लो, डरा दिया ना? इरादा तो यही था। वैसे तुम्हें इन कागजों में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिससे मैं डर जाऊं, जानती हो क्यों? क्योंकि मेरी ये जो जिंदगी है ना, ये खुली किताब की तरह है। जब जो चैप्टर पढ़ना है पढ़ लो, आई एम ऑलवेज देयर। चलो, अब सारे सच का खुलासा यही पे हो जाएगा, सुमन की कचहरी में। सब अपने किरदार निभाएंगे, तुम मुजरिम हो। अरे लेकिन तुम यहाँ पे यहाँ खड़े रहोगे, जो पूछोगे सवालों का जवाब देना। तुम जज हो, चलो वहाँ बैठो। मैं डिफेंस लॉयर, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ पे। और मेरे गुल्लू बेला बंदा, चलो उधर। अरे जाना यार। मैं लॉर्ड, मेरे मुजरिम समय पे ये इल्जाम है कि इन्होंने एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत की है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, लड़की ने भी मेरे मौकिल के साथ खूब प्यार किया है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। लॉयर जी, आप बिना किसी सबूत के मुजरिम पे इल्जाम नहीं लगा सकती। ओके, तो मुजरिम समय, ये बताइए कि साज की कौन सी खूबी आपको बेहद पसंद है? उसकी सच्चाई, जो उसकी आंखों से झलकती। बस यही प्रॉब्लम है मैं लॉर्ड, मुजरिम का डायरेक्ट कनेक्शन है जज के साथ। मुजरिम समय, इधर आओ। ए गोलू, चल इधर, भाग ना। आज बंदा निकालो। समय, हाथ दो। तुम्हारी पनिशमेंट यही है, जिंदगी भर उम्र कैद। मंजूर है? मंजूर। आज के लिए थैंक यू, और कल के लिए सॉरी। प्यार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है सांझ? कि वो इतना ज्यादा फैल जाता है कि वो सॉरी थैंक यू के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। ओए, ओए, ओए। आज मेरी फैमिली में खुशियां फिर से लौट आई हैं। थैंक यू। ये ऐसे कल पापा ने मुझसे कुछ कहा था। खुशियां इंसान को इतना नहीं बदलती हैं जितना दुख बदल देते हैं, तो सिर्फ अपनी खुशियों की तरफ देख। और वो चीज मैंने आज समझ ली। आज से मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे बारे में है। मुझसे जितना हुआ मैंने किया, अर्जुन के लिए, वंदना आंटी के लिए, यान के लिए, लेकिन अब और नहीं। आज से मैं उन सब की जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूं। मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी है। आज से शर्मा फैमिली मेरे लिए फैमिली कम और नेबर ज्यादा होंगे। वंदना, नहीं मां, आंटी के आंसू उन्हें खुद पहुंचने होंगे।
आज से शर्मा फैमिली मेरे लिए फैमिली कम और नेबर ज्यादा होंगे। अकेला छोड़कर क्यों चला गया तू आयान? मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। तो चिंता मत कर, हम तेरी बेल करा लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि सांझ तुझे बाहर निकाल लेगी। और मैं तुझे रोकता रहूं। तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब और नहीं अर्जुन, माँ को अपने बेटे की भीख दे दे अर्जुन। मेरा आयान मुझे लौटा दे। तू जीत गया, मैं हार गई। तू जो बोलेगा वो मैं करूंगी। मैं तेरे पैर पर। कैसी बात कर रही हो? तू बड़ा भाई है, अपने आयान को माफ कर। आयान ने जो किया है उसको उसकी सजा मिल रही है। तू बड़ा भाई होके उसे माफ भी तो कर सकता है ना? तू जो बोलेगा वो मैं करूंगी अर्जुन। मेरा आयान मुझे लौटा दे। माँ जाइए, यहाँ से प्लीज जाइए। तुम ऊपर जाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूं।
बेटे की जिंदगी बर्बाद हुई है। तुमने ही हम सब की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें मरना होगा। मेरे बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। अर्जुन छोड़ दे मुझे, अर्जुन इसको मरना होगा। अर्जुन क्या कर रहे हो माँ, पागल हो गए हो? साकू से मारने आओ इसको। तुम ठीक हो? अदालत मिस्टर अयान शर्मा को अटेम्प्ट टू रेप के चार्जेस में जेल की सजा सुना दी। मॉम मैंने कुछ नहीं किया, आप तो भरोसा करते हो ना मुझ पे। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। मेरा अयान मुझे लौटा दे। माँ जाइए यहाँ से। अर्जुन छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। क्या कर रहे हो माँ, पागल हो गए हो? साकू से मारने आओ इसको। डस्की सांझ माथुर, सांझ माथुर, तुम इतना गिर चुकी हो कि कीचड़ और तुम में कोई फर्क नहीं दिखना। अर्जुन थोड़ी सी शर्म कर, माया का कुत्ता बन के रह गया। तू बेल करवाती रहेगी और मैं तुझे रोकता रहूं। मिस्टर शर्मा, आंटी कैसी हैं? उन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया था पर अब ठीक हैं। लेकिन हमें 24 घंटे उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। फैमिली में से किसी एक को। जी मैं रुक जाती हूँ। I'm sorry. डॉक्टर ने कहा कि उनकी फैमिली उनका ख्याल रखेगी। हम उनकी फैमिली हैं। आप लोगों की जरूरत नहीं है। उनकी बहू और उनका बेटा उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। थैंक यू। बहू बेटा ये रिश्ते कब बने? मैंने तो ये पहले कभी नाम सुने ही नहीं। आनी पी, यहां बने। यहां पे भी तेरी बीवी माया का राज चलता है। आंटी मैं किसी से नहीं डरती, तू डरता होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे बारे में तो सब जानते हैं।
इस अर्जुन को बेवकूफ बना सकते हो तो तुम्हें लगता है सारी दुनिया को बेवकूफ बना दिया? और जो कुछ भी हो रहा है ना उसकी वजह तुम हो। बहू बेटा, अरे बहू का मतलब भी जानती हो? घर की लक्ष्मी होती है, खुशियां लाती है। जब से तुम्हारे कदम घर में पड़े क्लेश आ रहा है। और तू जो अपनी मां का सगा नहीं हुआ वो हम सब का क्या होगा? तमीज से बात कीजिए। बेबी, इनकी बात पे ध्यान मत दो। अंडी प्लीज जाइए यहां से। क्यों क्यों जाऊं यहां से? ओ इतनी हिम्मत, मैं तो भूल गई तेरी हिम्मत तो तेरी बीवी के पल्लू में बंधी हुई है। आंटी प्लीज, हॉस्पिटल है। आई एम सो सॉरी, चले यहां से। ऐसे किसी पड़ोसी की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देते। एक्सक्यूज मी, मेरी माँ तेरी पड़ोसी कब से हो गई? तूने तो अपनी माँ को पराया बना दिया। एटलीस्ट मैंने तेरी माँ को पड़ोसी तो कहा है। अर्जुन रहने दो। अर्जुन ऐसे फालतू लोगों पर अपनी कोशिशें बर्बाद मत करो, जिन्हें तुम्हारी कोशिशों की कोई अहमियत नहीं है। एक्सक्यूज मी माँ, चलिए यहाँ से। हम एक पड़ोसी की तबीयत पूछने आए थे और कुछ भी नहीं। अरे इनकी लाइफ, इनकी माँ, इनकी प्रॉब्लम्स, हमें क्या करना है? लेट्स गो। Thank you. You're most welcome. Arjun, माँ को कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं माँ को बहुत जल्दी अच्छा कर दूंगी। अर्जुन माँ भी घर पे अकेली है। शुड आई? हाँ, तुम आंटी के पास जाओ, मैं माँ के पास तुम्हें ख्याल रखूंगी। वैसे भी अब कोई और बचा ही नहीं। अर्जुन मैं सब ठीक कर दूंगी। I'll see you soon. वही तो डर है माया, वही तो डर। सांझ सांझ यार, वंदना को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? वो अकेली नहीं है माँ, उनका बेटा उनके साथ है। और वैसे भी लाइफ में कभी कभी हाथ छोड़ना पड़ता है, तभी रिश्ते अपने पैरों पे चलना सीखते हैं। पर सांझ तो समझ रही। माँ गाड़ी में बैठी है, मैं आ रही हूँ। सांझ माँ,
तुम हार गई माया। तुमने लाख कोशिश की कि तुम अर्जुन को हम सबसे दूर रख सको, पर देखो ना आज उसकी माँ से उसे दूर नहीं कर पाई। एक बेटे ने अपनी माँ की तकलीफ क्या देख ली, वो सब कुछ भूल गया। वैसे ही एक दिन वो तुम्हें भी भूल जाएगा। जानती हो क्यों? क्योंकि तब उसे वो सारी तकलीफ दिखाई देगी जो तुमने उसके परिवार, उसके दोस्तों और उसके चाहने वाले को दी है। और उस वक्त माया वो तुम्हें छोड़ देगा। जिंदगी में अकेली रह जाओगी, बिल्कुल अकेली जैसे अभी खड़ी हो। Calm down, woman, calm down. मैं इस पार्किंग लॉट में सिर्फ अपने गाड़ी का इंतजार कर रही हूँ और मेरा पति अपनी माँ का ख्याल रख रहा है और मैं अकेले कहाँ? तुम हो ना मेरे साथ? ओके, ओके। और वैसे भी जिंदगी में कोई कभी अकेला नहीं रहता, सबको कोई ना कोई मिल ही जाता है। अब जैसे तुम्हें समय मिल गया। सांझ, रही बात अर्जुन की, तो अर्जुन वही देखेगा जो मैं उसे दिखाऊंगी, वही भूलेगा जो मैं उससे भूलने के लिए कहूंगी और उसी से प्यार करेगा जिसे मैं उसे प्यार करने दूं। इसका कुछ नहीं हो सकता। मिस्टर शर्मा। यस डॉक्टर। आपकी मदर अब स्टेबल हैं, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि उन्हें अकेला मत छोड़िएगा, क्योंकि अभी भी काफी वीकनेस है और किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ओके डॉक्टर, आप उनको कुछ टाइम के लिए और नहीं रोक सकते हैं? लाइक यू नो कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट करवाने हैं आपको? नो स्ट्रेस, आप टेस्ट करवा सकते हैं। कमाल है, अक्सर पेशेंट के घर वाले पेशेंट को जल्दी घर ले जाना चाहते हैं और आप? उनकी बीवी माया नहीं होती। जी कुछ कहा आपने? जी कुछ नहीं, बट आर यू श्योर आपको कोई और टेस्ट नहीं करवाने? कुछ टेस्ट वेस्ट नहीं करवाने? अगर आपको करवाने तो करवा लीजिए, क्योंकि मेरे लिए मेरी माँ की हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, सो करवा सकते हैं। आई एम वेरी श्योर मिस्टर शर्मा कि आपकी मदर घर में बिल्कुल सेफ रहेंगी। मेरे घर में बिल्कुल सेफ नहीं रहेंगी। आर यू श्योर? मिस्टर शर्मा प्लीज डिस्चार्ज के पेपर्स रेडी करवा लीजिए। एक्सक्यूज मी। डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा के करूँ तो भी क्या करूँ? अकेले छोड़ नहीं सकता, घर ले जा नहीं सकता। माया है, माया के साथ साथ उनको दूसरा अटैक आ जाएगा और डस्की। इसको भी पड़ोसी पड़ोसी अभी खेलना था। हर जगह से फंस गया हूँ मैं। कभी कभी तो मुझे अपने आप पे तरस आता। थैंक यू। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी लॉ तुझे बचा नहीं सकता। मेरी बीवी का नाम लिया संदर्भ में। मेरा आयान मुझे लौटा दे। माँ, चाहिए सर। अर्जुन छोड़ दे मुझे। अर्जुन इसको मार। क्या कर रहे हो माँ, पागल हो गए हो? साकू से मारने आए हो इसको? माँ, वो डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। मैं आपको अकेले छोड़ नहीं सकता, बट क्या आप
अकेले रह सकती है। मेरा मतलब है कि मैं आपको अपने साथ लेके जा नहीं सकता, क्योंकि आप भी माया के साथ रहना नहीं चाहेंगे। आई मीन, क्योंकि आपने माया पे चाकू से वार करने की कोशिश की थी। मां, आप कहीं जाके रह सकती हैं, कोई रिश्तेदार समथिंग। अगर आप चाहती हैं तो अपने घर में भी रह सकती हैं। मैं वहाँ केयर टेकर और बाकी सारा स्टाफ ला दूंगा जो आपकी देख रेख करेंगे। आई मीन, अगर आप मेरे साथ रहेंगी तो आप तो जानती हैं माया, चाहे वो और आप दोनों का रिलेशनशिप, माँ कोई तो जगह होगी। है ना एक जगह, वो एक जगह जिसे जेल कहते हैं। अर्जुन, तुम माया के सामने कुछ बोल नहीं पाते, इसीलिए मुझसे अलग हो रहे हो, है ना? माँ, ऐसी बात नहीं है। आप तो जानते हो आपने माया को चाकू से मारने की कोशिश की थी। आप समझिए ना, जो रिश्ता तुम निभा नहीं सकते उसे कम से कम खराब तो मत करो। और मेरी टेंशन लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी तुम्हारे घर में ही आना चाहती। मेरी सांझ को फोन करो, वो आकर मुझे ले जाएगी। माँ, वो सांझ, वो एक ही ऐसी इंसान है जो ऐसे वक्त पर मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। हम एक पड़ोसी की तबीयत पूछने आए थे और कुछ भी। अरे इनकी लाइफ, इनकी माँ, इनकी प्रॉब्लम, हमें क्या करना है? माँ, वो सांझ। अर्जुन, मैंने तुमसे सिर्फ एक चीज मांगी थी, मेरे आयान की रिहाई। वो तुम मुझे दे नहीं सकते। एक काम करो, ला अपना फोन दे, मैं खुद ही बात करूंगी उससे। वो क्या है ना, पूरी बैटरी खत्म हो चुकी है। मैं बाहर से फोन करके आता। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते, तुम्हारी बीवी तुम्हारा फोन चेक करती है। जाओ, जाके सांझ को फोन करके आओ। क्या जमाना आ गया है, सब कुछ उल्टा चल रहा। जस की पड़ोसी बन गई, मैं डरपोक और माया, वो तो हमेशा से उल्टी थी। अब एक्सक्यूज मी, एक फोन कर सकते? हेलो डस्की, डस्की प्लीज फोन मत करना। देख डस्की, तेरी और मेरी लड़ाई अलग, माँ को बीच में मतलब, माँ को इस वक्त यही जरूरत है। प्लीज हॉस्पिटल आ जाओ। मैं अभी नहीं आ सकती, बिजी हूँ। मैं उन्हें शाम को आकर मिल लूंगी। शाम तक का मेरे पास टाइम नहीं, माँ को अभी डिस्चार्ज करवाना। देख, अब सारी उम्मीदें तुझसे, तू आ जा। आ जा यार। डस्की,
अरे माया तुम यहाँ पे, चलो कहीं और चलते। खोटा सिक्का बार बार वापस लौट कर आ ही जाता है ना। ए सांझ तू आ गई? माँ कब से तेरे बारे में बोल रही है कि मुझे सांझ के साथ जाना है, सांझ के साथ जाना है। मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरा और माया के साथ घर चलो, लेकिन माँ मान ही नहीं रही है, जिद कर रही है। तो तू लेने आ गई, जा माँ को लेकर जा। किसी की जिद मानना अच्छी बात तो नहीं होती ना, और किसी की जिद से जिंदगी का फैसला तो बदलता नहीं है। और वैसे भी तेरी माँ तेरी प्रॉब्लम जा। एक सेकंड, क्या तू अपनी माँ को अपने घर नहीं लेके जाना चाहता? तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मैं और माया तो माँ को ले जाएं, लेकिन माँ ही नहीं जा रही, क्या करूं? तेरी प्रॉब्लम तुझे पता होगा। भाई हम तो बस पड़ोसी हैं, फैमिली तो आप दोनों हो ना, बहू और बेटा। उनकी बहू और उनका बेटा उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैं डॉक्टर से मिल के आती। तू जानती है ना मैं माँ और माया को एक साथ नहीं रख सकता हूं। क्यों हटती है अपनी बीवी से? तू पागल हो गई? तेरे को माँ की कोई फिक्र नहीं? तू तेरी माँ को मंदिर ले जाए, घर ले जाए, रेलवे स्टेशन ले जाए, ओल्ड एज होम ले जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता तो यहाँ ही क्यों? पुराने रिश्ते थे ना हमारे, तो बस इसलिए आ गई। अब मुझे क्या पता था कि पुराने रिश्तों के बहाने तू अपनी माँ को मेरे सर पे टरकाने की कोशिश कर रहा है। टरकाने की कोशिश? तेरा दिमाग खराब हो गया? तू क्या बकवास बात कर रही है इसकी? अरे वाह, तू अपनी माँ को पड़ोसियों के घर भेजना चाहता है और बकवास मैं कर रही हूँ? अर्जुन मैं जानती हूँ कि तेरी माँ सौतेली है, लेकिन माँ तो माँ ही होती है ना। बस की तू जानती है, अगर माँ घर पे आ गई तो माया और माँ उनकी बहू, आदर्श बहू, अच्छी बहू, अरे उसे भी तो अपना फर्ज अदा करने दे ना, उसको ख्याल रखने दे अपनी माँ का, फिर तुझे मालूम पड़ेगा कि तेरी बीवी कितनी आदर्श बहू है और तेरी माँ कितनी बेवकूफ बेकार सी सास है। और वैसे भी अगर तुझे अपने घर नहीं लेके जाना है तो मैं तुझे दूसरा ऑप्शन दे रही हूँ ना, ओल्ड एज होम। एंड आई एम श्योर वो लोग तेरी माँ का ज्यादा अच्छा ख्याल रखेंगे। तुझे क्या लगता है मैं अपनी माँ को ओल्ड एज होम में रखूंगा? जो इंसान अपने भाई को जेल में रख सकता है वो अपनी माँ का तो कहीं भी रख सकता है। बदल गई है यार। बदलना पड़ता है यार। वो क्या है ना कि जिंदगी ज्यादा चॉइसेस नहीं देती, या तो बदल जाओ या तो टूट जाओ, और इस बार मैं टूटना नहीं चाहती। और वैसे भी ये जो बदलाव है ना वो तेरा ही गिफ्ट है, ना ही तू अपने बीवी के प्यार में इतना अंधा होता और ना ही हम तेरे लिए इतने कठोर। चलो अर्जुन, सांझ ने पहली बार जिंदगी में कुछ सही कहा है। किसी के जिद के सामने हम अपना फैसला बदल नहीं सकते। माँ तो बीमार है ना,
उन्हें अच्छे बुरे की क्या समझ। तुमने सही कहा सांझ, एक पड़ोसी के घर में माँ ठीक कैसे होंगी। माँ तो अपने बहू बेटे के साथ अच्छी रहेंगे ना, अच्छी हो पाएंगे। और एक और चीज तुमने कुछ कहा था, अर्जुन की माँ अर्जुन की प्रॉब्लम। माँ हमारे साथ रहेंगी, उनकी बहू और उनका बेटा उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। और वैसे भी अपनों में और गैरों में यही फर्क होता है कि गैर जिसे जिम्मेदारी समझता है, अपने उसे अपना फर्ज समझते हैं। चलिए मां, इट्स टाइम टू गो होम। सांझ मुझे अपने साथ ले चल, मुझे इन लोगों के साथ नहीं जाना, मुझे इनके घर नहीं रहना है। तू जो कहेगी मैं वो करूंगी, मैं तेरे घर के किसी एक कोने में पड़ी रहूंगी, मुझे अपने साथ ले चलना सांझ। सांझ सॉरी आंटी, मैंने समय से वादा किया है कि अब से मेरी लाइफ सिर्फ मेरे लिए और किसी के लिए भी नहीं। आपके लिए भी नहीं। कभी कभी जिंदगी में पुराने रिश्तों का हाथ छोड़ना पड़ता है ताकि अपने रिश्ते की ओर बढ़ सके। I'm sorry, आंटी। आप अपना ध्यान रखना प्लीज। मेरी नजर में रहेंगे, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। रोना मत। मैं माँ को कमरे तक छोड़ के आती हूँ। मैंने कहा ना तुमसे कि मैं माँ का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अब माँ का सब कुछ मैं करूंगी। तुम जाओ, तुम वो मीटिंग बहुत दिन से टाल रहे हो, गो फिनिश दैट एंड कम। मैं भी आता। डोंट वरी। वेलकम माँ, वेलकम 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 टू माई हाउस। आपको याद है आप जब यहाँ पर पहली बार आई थी, हमारी जन्म पत्री मिलाने आई थी। और अर्जुन ने उस पंडित को पैसे दे दिए थे। 36 गुड़ से जो कुंडली मिली है, तो सासू माँ को तो टेंशन होनी ही चाहिए। मैं अर्जुन की किस्मत में लिखी थी और अब अर्जुन की किस्मत में लिखती हूँ।
चलिए आपको मैं दूसरी माँ से मिलाती हूँ। अरे 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 बैठे रहिए बैठे रहिए, अगर पैर वैर फिसल गया ना तो और मुसीबत हो जाएगी। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि आपको सख्त आराम की जरूरत है। ओ चलो आई विल टेक केयर ऑफ यू। मामी देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई। मेरी व्हीलचेयर वाली दो दो मम्मी। हाउ नाइस दिस इज। ओ मां 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 मां, आप इतने जल्दी घबरा जाती है ना, कुछ नहीं हुआ है। माँ को ना माइंड से हार्ट अटैक आया, नथिंग सीरियस, ओके है ना माँ? माँ 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 माँ, ओ गॉड ओ गॉड, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। एक सेकेंड, अर्जुन की माँ शर्मा माँ, नो वैंडी माँ, नो वंदना माँ एंड जानवी माँ। हाउ नाइस दिस इज। अभी है ना सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा। जानवी माँ आप ऐसे अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती थी ना, देखिए मैं आपके लिए कंपनी ले आई। एक्चुअली ना मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं आपके लिए एक कुत्ता लाने वाली थी, लेकिन अभी उसकी जरूरत ही नहीं है ना? Don't give me those looks. अभी ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? वैसे आप लोगों की जोड़ी कितनी परफेक्ट लग रही है ना। थोड़ा सा आगे आएंगे, मैं आगे नहीं आ सकती। ये आ जाइए, ये एब्सोल्युटली परफेक्ट जोड़ी है ये। एक माँ है जो कुछ कहती नहीं है, और एक माँ है जो जब बोलना शुरू कर दे तो बंद ही नहीं होती। लेकिन आप ना ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आपको मेरी माँ की भाषा ना बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। इट्स वेरी सिंपल, नो स्ट्रेस। आप जो भी कहेंगे जो भी पूछेंगे उनका एक ही जवाब है इनके पास, बताओ क्या? पैर 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 पैर। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आपको बहुत जल्द आदत हो जाएगी, ओके? आप टेंशन क्यों ले रही है? आपको अकेला फील करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपका एक बेटा जेल में है तो क्या हो? दूसरा बेटा तो आजाद है ना? ओह माय इमोशनल माँ, आपको इस घर में किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी, और अगर तकलीफ हुई भी ना तो उसे सबक समझिएगा। हाउ शुड यू से? अरे एसी चल रहा है फिर भी आपको पसीना आ रहा है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, थोड़े आंसू भी पोंछ लीजिए। अरे एक सेकेंड एक सेकेंड, गुड गर्ल। चलिए अभी आप जाकर रेस्ट लीजिए, माँ को भी आराम करना। ओके मामी, आई सी यू लेटर। मैं कितनी बुरी हूं ना माँ, वंदना आंटी को ऐसे ही अकेला छोड़ दिया मैंने। वंदना अकेली नहीं है सांझ, अपने बेटे अर्जुन के पास है। शायद यही फैसला सही है। पर माया वो अर्जुन की प्रॉब्लम है। अगर तू वंदना को यहां ले आती
तो अर्जुन का दिल यहाँ रहता, और जहां अर्जुन का दिल रहेगा वहां माया, और जहां माया रहती वहां सिर्फ दुख ही दुख। शायद वंदना अर्जुन के पास रहकर उसको समझा सके। नहीं मां, अर्जुन समझ के दायरे से बाहर जा चुका है, उसे माया के अलावा कुछ समझ नहीं आता। तो फिर सांझ, वंदना को तेरे आंसू की नहीं, तेरे दुआओं की जरूरत है। ये है आपका नया कमरा। उठिए उठिए। कितना अच्छा लगता है जब आप मेरी बात सुनती है। तो बैठिए। अरे अरे मां, यहां नहीं वहां बैठिए। चलिए आप ही ना, मतलब ये आइए आपके नए कमरे में। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ओके दीजिए। माँ, अब हम अपनी कहानी एक नए सिरे से शुरू करेंगे। जो हो गया उसे उसे भूल जाइए, पर अब जो होगा वही ठीक होगा। माँ, आपको इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, खुली हवा की भी नहीं। आप आराम कर लीजिए। आराम कीजिए। ठीक है, मेरी नजर में रहेंगे, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। आपको इस घर में किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी, और अगर तकलीफ हुई भी ना तो उसे सबक समझिए। बोलो, सब ठीक है यहां? अभी तक तो मैं भी ठीक हूं, मुझ पर अभी तक किसी को कोई शक नहीं हुआ है। थैंक गॉड आंटी, यहां पे भी किसी को कोई शक नहीं हुआ है। सबको यही लगता है कि मैंने आपको और अर्जुन को छोड़ दिया है, पर आप ना प्लीज अपना ख्याल रखिएगा आंटी। प्लीज, माया को बिल्कुल भी भनक नहीं पड़नी चाहिए कि ये हमारा प्लान है। अगर उसको मालूम पड़ गया ना तो पगला जाएगी।
अभी भी पगलाने में और कुछ बाकी रह गया है? पर तू टेंशन मत ले, जब तक मेरी सांझ मेरी बेटी मेरे साथ है, दुनिया का कोई भी पागल मुझे कुछ नहीं कर सकता। आंटी, इस बार सवाल सिर्फ एक का नहीं, आपके दोनों बेटों का है, बेटों का है, उनकी जिंदगी का है। इस बार हमें माया का सच अर्जुन को दिखाना ही दिखाना है, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.